आज तो बुखार ना भाई साहब सही करके दबोच दिया। सो से दो चार नंबर ऊपर ही है ससुरा। आज ना काट पाऊंगा एक भी मुर्गा। अच्छा बस साले को बुखार है, वरना आज मेरा ही नंबर था। साला ये बुखार ऐसे उतरेगा नहीं। एक काम करता हूँ, चिकन सूप बना के पीता हूँ। ओ भाई साहब, आयो दिमाग। अबे यार बुखार की टैबलेट भी लेके देख लो। अरे मेरा सूत्र। हाँ भाई मुर्गा साहब, चिकन मिल जाएगा क्या? हाँ क्यों नहीं, बोलो सेठ कितना चाहिए? 1 किलो काट दो और थोड़ा साफ काट देना। अरे सेठ बिल्कुल साफ और ताजा मिलेगा, आप बैठिए मैं काटता हूँ। आइए आइए सेठ जी, आइए यहाँ बैठिए, मैं 2 मिनट में काटता हूँ एकदम फ्रेश और ताजा बच्चा। लो सेठ जी एकदम फ्रेश और ताजा चिकन। बहुत बढ़िया, कितने का हुआ? 200 रुपए का। बस सेठ जी सुबह सुबह का टाइम है, अभी बोई नहीं हुई ना, छुट्टा नहीं है मेरे पास। अरे छुट्टा कौन मांग रहा है, रख ले, अपने पास पैसे की कमी थोड़ी है। अरे बल्ले बल्ले, 500 का नोट जेब में को धल ले यार, सेठ जी तो बहुत दिलदार आदमी है भाई। अरे भतीजे पोटा कलेजी डाल दू ना। नहीं भाई तू भी पोटा कलेजी भी लेके जाइए, और दूसरा बच्चा भी काट रहा हूँ तेरा मैं अभी। हाँ भाई मुर्गा साहब, 2 किलो चिकन तोल बहुत जल्दी। अरे सेठ जी आइए आइए बैठिए, हट बे तेरा बाद में कटेगा, पहले सेठ जी का काट दूं। मुर्गा ओ भाई साहब पहले हमारा काट दो, हमारे घर मेहमान बैठे। अरे तो क्या करूं मेहमानों का, सिर पे बैठा लूं अपने, लेना है तो बाद में मिलेगा वरना भाग गया यार। अपने ऐसी तैसी मरा साले। सेठ जी आपका 2 किलो चिकन अभी देता हूँ। लो सेठ जी एकदम फड़ा दो चिकन। बहुत बढ़िया, कितने हो गए? 400 रुपए। बस यार छुट्टे तो है भी ना, चलो लो। 2000? अरे सेठ जी क्यों मजाक कर रहे हो, सुबह से गल्ला भी ना हुआ 2000 का, छुट्टे कहाँ से लाऊं? अरे छुट्टे कौन मांग रहा है, रख ले, तू भी क्या याद करेगा किस रईस से पाला पड़ा। यार क्या दिलदार सेठ है, अब साला खड़े पैसे में आग लगा दिया। रोज ऐसे ऐसे सेठ आते रहे तो साली कुछ ही दिन में यार 3 मंजिल का टावर खड़ा होगा। इस बार तो मुर्गियां बहुत मोटी मोटी भेज दी भाई, अंडे वाली मुर्गियां तमाम। चलो काट दूंगा ससुरे को सबको। रोज भाई आसपास कोई मुर्गी फार्म है क्या? अरे सेठ जी क्या मामला है? अरे 2 क्विंटल चिकन चाहिए था, तुम तो दे नहीं पाओगे तो सोचा फार्म से ले लूं। अरे कैसी बात कर रहे हो सेठ जी, हमारी दुकान की डेकोरेशन में मत जाओ, 2 क्विंटल मुर्गा यूं दे दे ले यूं। तो ऐसा बढ़िया तो बात ही ना। अरे सेठ जी आप 5 मिनट बैठिए, 25 मिनट में मुर्गा तैयार, हम काटा थोड़ी है। अरे छोटो गला था लेके आ। लो सेठ जी आपका पूरा माल तैयार। बहुत बढ़िया भाई, बताओ फिर कितने का हो गया? सेठ जी वैसे तो हम 200 रुपए किलो बेच रहे हैं, आपने इकट्ठा माल लिया है तो 180 का रेट लग जाएगा, 180 × 2 क्विंटल। छोटू कितने हो गए? 36,000 रुपए। बस अरे पर्स कहाँ गया? अरे फिरोज भाई मुझे लगता है मेरा पर्स घर रह गया, तो एक काम करो चिकन उतार लो, मैं बाद में लेके जाता हूँ।
सेठ जी कैसे बात कर रहे हो आप, ले जाइए पैसे फिर आ जाने। अरे नहीं फिरोज भाई, ऐसा अच्छा नहीं लगता, इतना बड़ा सेठ और उधार लेके आएगा। अरे सेठ जी आप ले जाइए, आप बहुत बढ़िया आदमी हो, वो दिल भैक आदमी हो हम जानते हैं, आप ले जाइए कोई बात नहीं, माल आ जाए। ठीक है ठीक है। भाई छोटू तू जानता नहीं है सेठ जी को, 36,000 रुपए उधार करके गए, 72,000 पहुंचाएंगे, तू जानता नहीं है, बहुत दिलदार आदमी है। चल दुकान बंद कर। यार सेठ जी आए नहीं अभी तक, तो शाम होली यार। भाई यार मेरा मुर्गा डकार तो ना गए अभी। नहीं नहीं यार, वो तो बहुत दिलदार आदमी है, अबे फोन नंबर भी तो देखे ना गए यार, तो फोन कर लेता मैं, कहीं मेरा मुर्गा हजम तो ना कर गया सेठ। चिकन तंदूरी 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। अरे लुट गया, फ्री लुट गया, जल्दी आ जाओ फटाफट, अभी ऑफर है।